आइए देखें आगरा के 10 सबसे अच्छे स्थान और वीडियो को पूरा जरूर देखेगा, क्योंकि वीडियो में पूछे गए प्रश्न का जवाब देकर आपको मिलता है मौका ढेरों 10 on 10 इनाम जीतने का। नंबर 10, मेहताब बाग। मेहताब बाग आगरा का एक खूबसूरत उद्यान है जो यमुना नदी के तट पर बना हुआ है और ये हरियाली से परिपूर्ण है। मेहताब बाग में ताज व्यू पॉइंट नाम से चबूतरा भी बना हुआ है, जहां से आपको ताजमहल का एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा। खूबसूरत फूलों के बीच और पेड़ों की छाव में अपनी फैमिली या प्रेमी के साथ बिताया गया टाइम आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आगरा सुपर टिप। आगरा शहर को ताज नगरी भी कहा जाता है और आगरा में अनुकूल मौसम में घूमने का सबसे अच्छा टाइम अक्टूबर से मार्च के बीच है। नंबर 9, कलाकृति कल्चर एंड कन्वेंशन सेंटर। अगर आप मुगली दौर की यात्रा करके बीते समय में वापस जाकर देखना चाहते हैं, तो आप कलाकृति कल्चर एंड कन्वेंशन सेंटर का रुख कर सकते हैं। यहाँ पर आप ताजमहल और प्यार की दास्तान पर आधारित कल्चर शोज देख सकते हैं। दूसरी तरफ आप यहाँ के शोरूम में संगमरमर से बनी चीजें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो आप आगरा से यादगार के तौर पर खरीद पाएंगे। आगरा सुपर टिप। आगरा में सबसे धूमधाम से मनाए जाने वाले पर्व हैं ताज महोत्सव, राम बारात, कैलाश मेला और बतेश्वर मेला। नंबर 8, सूट सरोवर बर्ड सेंचुरी। अगर आप हैं एक प्रकृति प्रेमी व्यक्ति और आपको सुंदर पक्षी देखना अच्छा लगता है, तो सूट सरोवर पक्षी विहार कर रहा है आपका इंतजार। यहाँ पर आप सैकड़ों प्रवासी पक्षियों का झुंड देख पाएंगे, जो हर साल हजारों मील का सफर तय करके यहाँ पहुँचते हैं। कीठम झील के किनारे आप इत्मीनान से कुछ समय बिताकर खुद को हल्का महसूस करेंगे। आगरा सुपर टिप। आगरा के सबसे लोकप्रिय बाजार हैं सदर बाजार, सुभाष बाजार, किनारी बाजार, टीडीआई मॉल, शाह मार्केट और शाहगंज बाजार। नंबर 7, शिरोज हैंगआउट। आगरा घूमने के साथ साथ अगर आप समाज में एक पॉजिटिव बदलाव लाने में अपना योगदान दें, तो इससे बेहतर बात क्या होगी। आगरा का शिरोज हैंगआउट एक प्रयास है एसिड अटैक्स का दर्द झेल चुकी फाइटर्स को समाज से जोड़ने का। इस कैफे में आप टेस्टी खाना तो खा ही सकते हैं, साथ ही यहाँ अच्छी किताबों का भी कलेक्शन है, जिन्हें पढ़कर आप अपने विचारों का भी विकास कर सकते हैं। शिरोज हैंगआउट के आगरा के साथ साथ नोएडा और लखनऊ में भी ब्रांचेस हैं। आगरा सुपर टिप। आगरा के जो खान पान की चीजें सबसे लजीजदार हैं, वह है पेठा, पराठा, भल्ला, बेदई, रबड़ी, जलेबी और दालमोट। नंबर 6, श्री मनकामेश्वर मंदिर। श्री मनकामेश्वर मंदिर आगरा के रावतपारा में स्थित शिव जी को समर्पित मंदिर है। यहाँ पर स्थापित शिवलिंग चांदी से बना हुआ है और कहा जाता है कि इस शिवलिंग की खोज द्वारपारा युग में स्वयं शिव जी ने की थी। इस मंदिर के प्रांगण में सरस्वती जी, हनुमान जी, कृष्ण जी और अन्य देवी देवताओं की भी प्रतिमाएं लगी हुई हैं, जिनके दर्शन करने दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। आगरा सुपर टिप। आगरा शहर में 24.25 लाख लोग रहते हैं और आगरा में बोली जाने वाली मुख्य भाषाएं हैं हिंदी, उर्दू, पंजाबी और अंग्रेजी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को घंटी के साथ सब्सक्राइब जरूर कर लें। नंबर 5, इतिमदउद्दौला का मकबरा। इतिमदउद्दौला का मकबरा शाहजहां के दरबार में अधिकारी रहे मीर ग्यास बेग का मकबरा है, जिनको बाद में इतिमदउद्दौला नाम से जाना जाता था। इस मकबरे को ताजमहल के मिलते जुलते डिजाइन की वजह से बेबी ताज भी बोला जाता है। इस मकबरे को लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बनाया गया है और इसके किनारे 13 मीटर ऊंची शकोड़ी मीनारें बनी हुई हैं। आगरा सुपर टिप। आगरा घूमने का सबसे अच्छा जरिया है ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी कैब और बस, और जल्द ही आगरा शहर में मेट्रो भी आने वाली है। साथ ही आगरा घूमने से जुड़ी किसी भी सहायता के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप आगरा घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो इस वीडियो को बुकमार्क और सेव जरूर कर लें, ताकि जरूरत पड़ने पर आप इसे जल्दी से देख पाएं। नंबर 4, गुरुद्वारा गुरु का ताल। गुरु का ताल गुरुद्वारा एक ऐतिहासिक तीर्थ स्थान है, जो सिखों के 9वें गुरु गुरु श्री तेग बहादुर जी को समर्पित है। गुरु का ताल गुरुद्वारा उस स्थान पर बनाया गया है, जहां गुरु तेग बहादुर जी ने मुगल सम्राट औरंगजेब के सामने स्वैच्छिक गिरफ्तारी की पेशकश की थी। इस गुरुद्वारे में गुरु तेग बहादुर जी को श्रद्धांजलि देने हर साल हजारों भक्त आते हैं। आगरा सुपर टिप। आगरा का सबसे मुख्य रेलवे स्टेशन आगरा कैंट रेलवे स्टेशन है, जो आगरा के कैंटोनमेंट एरिया में है। नंबर 3, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी आगरा से 40 किलोमीटर दूर स्थित घूमने की एक उत्तम जगह है। 500 साल पहले
फतेहपुर सीकरी मुगल साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। यहाँ पर आप कई जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि जोधाबाई पैलेस, जामा मस्जिद और सलीम चिश्ती का मकबरा। फतेहपुर सीकरी में बना बुलंद दरवाजा 54 मीटर की ऊंचाई के साथ विश्व का सबसे ऊंचा दरवाजा है। आगरा सुपर टिप। आगरा में एक एयरपोर्ट भी है जो आगरा के खेड़िया इलाके में बना हुआ है। नंबर 2, आगरा फोर्ट। आगरा का किला, जिसे लाल किला और किलाए अकबरी भी कहते हैं, आगरा का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। आगरा किला एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और ये 94 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। इस किले का कुछ ही भाग जनता के देखने के लिए खोला गया है और बाकी भाग सेना के उपयोग के लिए रखा गया है। दीवाने खास, दीवाने आम, मोटी मस्जिद, जहांगीर महल आगरा किले के कुछ प्रमुख स्थान हैं। आगरा सुपर टिप। आगरा घूमने का प्रति व्यक्ति औसत खर्चा 3,500 से 6,000 रुपए के बीच आता है और आगरा में ठहरने के मुख्य होटल लोकेशंस हैं सिकंदरा, ताजगंज, रकाबगंज और सिविल लाइंस। अगली जगह देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप त्योहारों पर अपने प्रियजनों को गिफ्ट देना चाह रहे हैं तो चोकोडिप की हैंडक्राफ्टेड चॉकलेट्स एक अमेजिंग ऑप्शन है। आप chocodip.in वेबसाइट पर 10on10 कूपन कोड यूज करके चोकोडिप चॉकलेट्स पर एक्साइटिंग डिस्काउंट भी ले सकते हैं। chocodip.in पूरे इंडिया में चॉकलेट्स डिलीवर करती है, वो भी फ्री शिपिंग के साथ। नंबर 1, ताजमहल। ताजमहल का नाम दुनिया के 7 अजूबों में लिया जाता है और ये आगरा का ही नहीं बल्कि भारत का सबसे ज्यादा लोकप्रिय स्मारक है। इस स्मारक को शाहजहां ने अपनी सबसे प्रिय बीवी मुमताज महल की याद में बनवाया था। 42 एकड़ में फैले ताजमहल को बनाने में 17 साल का समय लगा। चांदनी रात में ताजमहल की खूबसूरती देखते ही बनती है। आप आगरा के ये सारे स्थान स्क्रीन पर दर्शाए गए मैप के द्वारा 3 दिन में घूम सकते हैं। 10on10 इनाम जीतने के लिए कमेंट के द्वारा ये बताना मत भूलिएगा कि इस वीडियो में दिखाए गए सीक्रेट कोड्स को जोड़कर क्या संख्या बनती है। कमेंट से जवाब देने के बाद स्क्रीन पर आपके लिए आ रहे अगले वीडियो को क्लिक करके देखना ना भूलिएगा।